इस मेथड के जरिए आप किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अपना जो लॉक है ये अप्लाई कर सकते हैं इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप किसी को भी फोन देते हैं फ्रीक्वेंटली किसी को कॉल करने के लिए मैसेज करने के लिए और आपको डर है कि वो बंदा जो है वो आपके किसी भी ऐसी जगह को एक्सेस कर सकता है जहां पे आपके पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है कोई डिटेल्स कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ पड़े हुए तो आप इस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं वालेकुम गाइस कैसे हैं आप लोग गाइस आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अपने आईफोन पे किस तरीके से एप्लीकेशंस के ऊपर लॉक अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि एंड्रॉयड में तो आप थर्ड पार्टी ऐप के ज़रिए किसी भी एक इंडिविजुअल ऐप के ऊपर भी आप ऐप लॉक कर सकते हैं लेकिन आईफोन के अंदर आपको थोड़ी सी जुगाड़ों से काम करना पड़ता है तो आज की वीडियो में जो मैं जो तो मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं उसका ताल्लुक है शॉर्टकट ऐप से यानी शॉर्टकट ऐप के जरिए आप किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसी सिचुएशन में कि आप अपने दोस्त को फ़ोन देते हैं और आपको पता है आपकी दोस्त की गंदी आदत है कि वो आपकी इधर उधर की जो चीज़ें हैं उसको उसमें घुसेगा पिक्चर में जाएगा फोटोज़ में व्हाट्सएप में जाएगा तो ऐसे दोस्तों से डील करने के लिए आपको ये वाला जो मेथड है इसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए उसका फ़ायदा ये भी है कि अगर वो बंदा आपके उस एप्लीकेशन में जाता है तो फ़ौर से जो आपका वो जो लॉक है वो अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आपको पता भी लग जाएगा कि इसने ये वाली ऐप को एक्सेस करने की कोशिश की है तो चलिए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपने जाना है अपनी शॉर्टकट वाली ऐप के अंदर और यहाँ पे अगर आपके सामने ये व्यू है तो आपने यहां से ऑटोमेशन में आ जाना ये सामने आपकी ऑटोमेशन है यहां पे ऑटोमेशन में आके आपने क्या करना है न्यू ऑटोमेशन में जाना है और न्यू ऑटोमेशन में यहां से आपने ऐप को सिलेक्ट कर लेना है आप यहाँ से देख सकते हैं लिस्ट में भी और यहाँ पे ऊपर अपनी सर्च में भी लिख सकते हैं ऐप आप। आपने यहाँ से ऐप को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने वो पर्टिकुलर ऐप चूज़ करनी है जिसको आपने लॉक लगाना है फॉर एग्जांपल मेरे सामने इस वक्त डिफ़ॉल्ट ऐप्स आ रही हैं अगर आपके फ़ोन में दूसरी ऐप्स इंस्टॉल है तो वो भी यहाँ पर आपको लिस्ट में शो हो रही होंगी तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अपनी फोटो ऐप के ऊपर और अपने नोट्स के अंदर कि ये वाली जो एप्लीकेशन अगर कोई एक्सेस करेगा तो उसके ऊपर लॉक लग जाए तो मैं दोनों को यहाँ पे डन कर दूंगा डन करने के बाद आपने यहाँ से ये यह जो नेक्स्ट का बटन है इसको प्रेस करना है और यहाँ पे ये यह वाला जो व्यू है ये आपके सामने आ रहा है अच्छा यही वाला जो मेथड है मैं आपको आईफोन टेन के ऊपर भी बताऊंगा क्योंकि आईफोन टेन के अंदर जो मैक्सिमम वर्जन होता है वो iOS सिक्सटीन होता है और जो मैं आपको बता रहा हूं ये लेटेस्ट iOS सेवनटीन के ऊपर जो मैथड आप अप्लाई करते हैं ये वो वाला मैथड है तो यहां से आपने ये जो न्यू ब्लैंक ऑटोमेशन लिखा हुआ है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहां पे आपने एड एक्शन पे प्रेस कर देना है एड एक्शन के ऊपर आपने यहां पे क्लिक करना है लॉक स्क्रीन तो लॉक स्क्रीन जैसे आप क्लिक करेंगे तो लिस्ट में आपके सामने यहां पे लॉक आ जाएगा तो यहां से आपने इसको क्लिक कर देना है अच्छा इसके बाद आपने इसको कर देना है डन तो ये डन करने के बाद कुछ इस तरह से आपका जो एनिमेशन है यहां पे ऐड हो जाएगा अभी आपने इसको अप्लाई नहीं करना चेक नहीं करना आपने दोबारा से इसको प्रेस करना है और इसके बाद आपने दोबारा से ये ऑटोमेशन वाली जो जगह है इसके ऊपर आपने इसको क्लिक कर देना और यहां पर जो लिखा हुआ है रन इमीजिएटली आपने इसको क्लिक कर देना और डन कर देना है। तो चलिए अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है फॉर एग्जांपल आप किसी को अपना फोन देते हैं और वो फोन के दौरान आपकी फोटो को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो जैसे ही वो फोटो पे क्लिक करेगा फौरन से ये लॉक स्क्रीन पे आ जाएगा क्योंकि आपका तो फेस आईडी लगा हुआ तो आप इसको ओपन कर सकते हैं और दोबारा से आपको पता लग जाएगा कि उसने कौन सी वाली एप्लीकेशन को एक्सेस किया है लेकिन अगर उसके पास होगा तो ये लॉक स्क्रीन पे ही रहेगा इसी तरह मैंने जैसे नोट्स के ऊपर लगाया था नोट्स को जैसे वो क्लिक करेगा तो लॉक स्क्रीन पे वो आ जाएगा तो इस तरीके से आप अपनी किसी भी पर्टिकुलर ऐप के ऊपर जो कि आपको लगता है कि यहाँ पे आपका प्राइवेट डाटा पड़ा हुआ है तो वहां पर आप उसको ये वाला एनिमेशन अप्लाई करने के बाद सिक्योर कर सकते हैं सो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर इस इसके अलावा भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज को लाइक कर दें शेयर करें इस चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव आपको मिलते रहें इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अल्लाह पीस